स्लेटली पैलेट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आज बात करना चाहूँगा और उसके बारे में मैं कुछ नॉलेज देना चाहूँगा। एक होता है युगला, जो तालू के सबसे पीछे भाग में होता है और सेंटर में एक लटकते रहता है, उसको कहते हैं युगला, इंग्लिश में कहते हैं। और उसके बड़े सारे नाम हैं जो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग उसको छोटी जीभ कहते हैं, कुछ लोग काका कहते हैं, कुछ लोग स्मॉल टंग कहते हैं। मैं गूगल में देखा तो उसमें लिखा हुआ है अली जिब्वा या काकलक, ये हिंदी में नाम दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉमनली बोलते नहीं हैं। कुछ लोग इसको घंटी भी कहते हैं। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और लेफ्ट पैलेट सर्जरी में इसको क्या कर कैसे करते हैं और हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? नॉर्मल पहले देखें कि नॉर्मल आदमी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। नॉर्मल आदमी में ये एक थैली जैसी होती है, सेंटर में लटकते रहती है। एक तो है बहुत इम्पोर्टेंट है कॉस्मेटिकली, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि नॉर्मल फील करता है जिसके इसमें नॉर्मल युगला होता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिससे सलाइवा निकलता है, जो हम मुंह में थूक निकलता है वो यहाँ से सिक्रीट होता है। और तीसरा, एक स्पेशल टाइप का जो वॉयस है उसमें वो थोड़ा पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर एक मसल होती है जिसको मस्कुलस यूली कहते हैं, वो आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट करता है। और एक स्पेशली उर्दू में और जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें ये यूज़ होता है या संस्कृत में यूज़ होता है। अदरवाइज नॉर्मल डे टू डे जो हम हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं उसमें युगला का रोल बहुत कम है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई क्लेफ्ट पैलेट में युगला नहीं होता है, या होता भी है तो वो दो भाग में अलग अलग दिखाई देता है, तो इसको कैसे बनाते हैं? हमारे पास दो तरीके होते हैं युगला बनाने के। एक तो है कि दोनों तरफ जो कटा हुआ होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं और हम युगला बनाते हैं सेंटर में। यदि एक साइड का युगला छोटा है दूसरा बड़ा है तो हम वो छोटे वाले युगले को सेक्रीफाइस करके बड़े वाले युगला को सेंट्रलाइज करके हम युगला बनाते हैं। तो ये दो तरीके हैं मेरे हाथ में। आजकल मैंने बहुत ऑपरेशन बहुत तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश की है, और मेरे हाथ में मुझे लगता है कि जो एक तरफ का युगला बनाने ले करके जो हम युगला बनाते हैं उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। और दो कभी कभी दोनों तरफ का युगला यूज़ करने से उतना अच्छा नहीं बनता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर इम्फेसाइज करना चाहूँगा, बार बार बोलना चाहूँगा कि क्लेफ्ट पैलेट ऑपरेशन के बाद युगला का स्पीच में बहुत ही नॉमिनल या मिनिमल रोल है, बहुत ज़्यादा इसका संबंध नहीं है स्पीच से। तो यदि किसी बच्चे में युगला नहीं बना है या नहीं दिखता है तो इसमें आपको डिप्रेस होने की, डिमोरलाइज होने की या बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक, जैसे मैंने पहले कहा, एक कॉस्मेटिक चीज़ है। यदि है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तब पर भी कोई बात नहीं है। एक और बात बताना चाहूँगा कि क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के बाद इमीडिएटली युगला आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि मुंह में सूजन होती है, पैलेट में सूजन होती है, तो युगला जो है बहुत पीछे होता है, कभी कभी ऊपर होता है तो दिखाई नहीं देता। 2-3 महीने में पैलेट जब सॉफ्ट हो जाता है और मूवमेंट अच्छा हो जाता है, युगला भी नीचे लटक जाता है, तब आपको युगला जो है अच्छे से दिखाई दे सकता है। तो आपको 2-3 महीने तक के पेशेंस रखना चाहिए, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि युगला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लेकिन स्टिल आपको ये ख्याल रखना है कि युगला जो है बहुत एसेंशियल नहीं है, और जहाँ तक ये बन सकता है सर्जन बनाने की कोशिश करता है, और नहीं बनता है तो आपको डरने की बात नहीं है। तो आखिर मैं यही कहना चाहूँगा कि युगला बनता है तो एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, कॉस्मेटिकली अच्छा है, और नहीं बनता है तो भी स्पीच नॉर्मल होगी, क्योंकि स्पीच का डेवलपमेंट होता है तालू से। तालू जो है लंबा होना चाहिए, बिना डिफेक्ट के होना चाहिए, और तालू के अंदर मसल यदि बहुत अच्छे से रिपेयर किया जाए, जिसको इंट्रा यू वेलर वेलोप्लास्टी कहते हैं, यदि अच्छे से मसल रिपेयर किया जाए तो स्पीच जो है अच्छे से डेवलप होती है और नॉर्मल स्पीच डेवलप होती है।